वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हो रहा है डिनर का टाइम, तो वो किचन में ही आपको पता चलेगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी तो 7 बज रहे जैसा कि मैंने कहा और विधान भी आ गया है। और ये आ गए हैं विधान जो कंटिन्यू हम करते रहते हैं। अपने सूज से खेल रहे हैं ये शू। ये चलो हेलो करो, चलो चलो सीताराम करो, सीताराम सीताराम करो पहले सीताराम। चलो क्योंकि पापा जी आ गए हैं, मुझे आवाज आ गई। तो चलो विधान के पापा गाड़ी रखने ही वाले थे पर देखा कि हम लोग तैयार हैं, तो उन्होंने पूछा कि तैयार हो तो चलो फिर घूमने चलना है। तो हमने कहा नेकी और पूछ पूछ विधान, तो बहुत दिन से गए नहीं थे तो हमने कहा चलो। हेलो, हाय पापा जी। हेलो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौपाटी तक जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ, और मैं भी बहुत एक्साइटेड और विधान भी। चलो और अब आपको मिलते हैं जब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाए। हम लोग आ गए हैं, देख लीजिएगा। और ये है विधान और ये हूँ मैं। हम लोग आ गए एक यहाँ पर ही पार्क है, वहाँ पर आ गए। विधान को बहुत मजा आया, विधान ने बहुत मजे किए, हम लोगों ने भी किए। हाँ, और मैंने तो बहुत ही ज्यादा। अब विधान से अभी भी पूछो कहाँ जाना है तो विधान बता देगा कि बाहर। विधान को कहाँ जाना है जल्दी बताओ, कहाँ जाना विधान को, वहाँ जाना है। विधान को अभी भी बाहर जाना है विधान। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। जैसा कि मुझे सजेशन मिला था कि आप अपनी जो लाइफ स्टाइल शो कर रही हैं अपने चैनल में, तो उसके साथ साथ आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाइए जिससे कि सब लोग कुछ सीख सकें उससे। तो मुझे ये समझ में आया कि यदि मैं लाइफ स्टाइल के साथ साथ मैं एजुकेशन के भी वीडियो बनाऊंगी तो वो सब मिक्सचर हो जाएगा, और तो इसी बात को लेके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि क्या करें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ इस बात के लिए डिस्कस किया कि कैसे हम ये कर पाएं कि लाइफ स्टाइल भी हमारी चलती रहे और हम आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियो बताएं। तो ऐसा मुमकिन नहीं था, तो हमने एक अलग से चैनल बनाया है जिसको वो मैनेज करेंगे। तो अब उस चैनल के बारे में पतिदेव ही आपको बताएंगे। हाय गाइस, मैं हूं देवेंद्र पांडे, सीमा का हस्बैंड। तो जैसे आप लोगों के सजेशन आए थे तो इन सभी सजेशनों को हम लोगों ने काफ़ी सोचा और इस पर काफ़ी विचार किया, और विचार करने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि एक नया चैनल बनाया जाए, सेपरेट चैनल जिसमें केवल और केवल एजुकेशन वाली बातें ही हों। तो फिर आपकी सजेशन को ध्यान में रखकर मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है देवेंद्र डिजिटल क्लासेस। और इस चैनल में मैं आप सभी को कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज जैसे DCA और PGDCA, उसकी एजुकेशन और उसके स्कोप और उसकी रिक्वायरमेंट और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं ये आपको बताऊंगा। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को यूज करें, सब्सक्राइब करें और उसमें जुड़ें। बाकी की बात मैडम बताएंगी आपको।
तो फ्रेंड्स बस जैसे ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या प्यार दिया है मेरे वीडियोस को, तो वैसे ही आप इस वीडियो को भी आप मतलब इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और उससे जो भी आपको लाभ मिलता है आप उससे लाभ लें और आपको ये बहुत आगे जाके बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है ये वाला चैनल, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब मम्मा डिनर बनाने आ गई है और मैं उनकी हेल्प करूंगी। तो हम लोगों ने नीचे कमेंट्स में पूछा था कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज चाहिए, तो उनमें से एक सजेशन था दम आलू और हम लोग आज उसकी रेसिपी बताएंगे। और भी जो सजेशंस आए थे वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज की रेसिपी होगी दम आलू। तो चलिए बनाते हैं हम दम आलू। तो दम आलू बनाने के लिए देखिए क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और आलू, जिसका तो हम बना रहे हैं दम आलू, उसके बिना तो ये बनेगा नहीं। और इसके बाद जो मसाले लगेंगे तो वो सब मैं जैसे जैसे डालती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। और ये सब्जी दोनों टाइप से बन जाती है, ये मतलब ये सूखी भी बनती है और ये ग्रेवी वाली भी बनती है। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाली सब्जी और जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप चावल के साथ खाइए, चाहे आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ, जो भी आपकी मर्जी हो, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आलू को हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो बस अब इनको हमें छील लेना है अच्छे से, सभी के छिलके उतारने हैं। इनमें छेद कर लेंगे चारों तरफ, ये इसलिए क्योंकि जब हम बनाएंगे तो इनके अंदर ग्रेवी अच्छे से चली जाएगी और ये अंदर तक अच्छे से भर जाएगी। और ये हमने छोटे छोटे मीडियम साइज के आलू लिए हैं, बेबीज पोटैटो है ये। तो विधान भी आ खेल रहा है। विधान विधान भी आ गया है, देखो विधान आ भी गए, विधान कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं, क्या आते हैं पापा जी के पास। चलो। तो अब हम आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे और इसको हम थोड़ी सी मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे, जिससे कि ऊपर से अच्छी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यदि हम तेज फ्लेम पर इसको करेंगे तो ये ऊपर से तो एकदम ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो इनको हमने कर लिया है और निकाल भी लिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑयल को अलग कर देंगे, थोड़ा सा ही बचाएंगे, बस लगभग 3 चम्मच। और फिर उसमें हम 2 काली मिर्च, 2 लौंग और फिर इसके बाद लहसुन, अदरक और प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें थोड़ा भूनना है, मतलब इतना कि उसका कच्चापन चला जाए। सभी मसाले जब थोड़े भुन जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें इसमें टमाटर ऐड करना है। और टमाटर ऐड करने के बाद हमें सारे मसाले को अच्छे से भूनना है, लगातार चलाते ही रहना है, जिससे कि ये सारा मसाला सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काजू। और यदि आप काजू ना डालना चाहें या काजू ना हो तो आप इसमें रोस्टेड पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस हम इनको भी डाल लेंगे और पका लेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनको अलग से निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में। थोड़ी देर हम इनको रेस्ट करने देंगे, जिससे कि हल्के से ठंडे हो जाएं, क्योंकि फिर इनको हमें एक इनका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है मिक्सर ग्राइंडर में, जिससे कि ये अच्छा पेस्ट बन जाए और स्मूथ हो जाए। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें राई, जीरा ये सब डाल देंगे। थोड़ा सा हम खड़ा मसाला है जो मैंने पीस कर रखा है तो मैंने वो डाल दिया है। उसके बाद वो पेस्ट जो कि हमने पीस कर रखा हुआ था अभी मिक्सर जार में, तो उसको हमने ऐड कर दिया है। बस अब हम उसे अच्छी तरह से पकाना है, लगातार इसको चलाते रहना है। और इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे मिर्ची और हल्दी। तो मिर्ची को हमने कलर वाली मिर्ची को ऐड किया है क्योंकि पहले ही हम हरी मिर्ची डाल चुके हैं, तो अब हम ज़्यादा मिर्ची ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो स्पाइसी खाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें नमक ऐड किया है और हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पका चुके हैं पहले ही ग्रेवी को। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, लेकिन अब पानी को हमें अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि पानी हमने कच्चा यूज किया है। तो ये हमारा जब अच्छा से उबाल आने लगे इसमें, तो इसके बाद फिर हम इनको इनमें आलूओं को ऐड करेंगे जो कि हम पहले से पका के रख चुके हैं। तो इन सभी आलू को हमने इसमें डाल दिया है और हमने इसको अच्छी तरह से चला दिया है। तो ढक के रख दिया है, तो मतलब हम दम लगा रहे हैं। वैसे दम लगती है कैसे कि जब हम नीचे से भी सिगड़ी पर रख देते हैं सब्जी को या कढ़ाई को, और उसके बाद फिर हम रख देते हैं उसके ऊपर से थाली और उसके ऊपर से रख देते हैं हम कोयला,
है ना, तो तब ये ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से हम हीट मिलती है तो दम लगती है, लेकिन हम वो तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो दम हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, हम इसको ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें रखना है और 10 मिनट के बाद हम इनको देखेंगे, तब तक हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अभी हम बताते हैं आपको 10 मिनट बाद। तो देखिए आलू हमारे बिल्कुल पक गए हैं और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है और लास्ट में हम डाल रहे हैं इसमें मलाई, तो इससे हमारा टेस्ट जो है बहुत रिच हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ाई में भी वैसे हम डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने के बाद जस्ट हमें बंद करना होता है, क्योंकि यदि गर्म रहता है तो फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम बस हमारी बन चुकी है देखिए, और मैं तोड़ के भी बता रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। सब्जी रेडी हो गई है और विधान तो ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है उनने, और ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। हाँ, जिसने भी बनाई है उसके लिए थैंक यू। तो गाइस आप लोग भी इसका टेस्ट महसूस करेंगे। बोलो कैसे करेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, और आप लोग भी ये सब्जी ट्राई कर देखना और बताना कि कैसी बनी है, और महसूस ऐसे कर सकते हैं कि आप ये बना के खाइए तो आपको ही पता चल जाएगा कि कैसी बनी है। ऐसे महसूस हो सकता है। यदि आपको ये अच्छा लगा, ये रेसिपी अच्छी लगी, हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हो, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आपको पता चल जाए जब हमारी नई वीडियो आए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं आपको अपने दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 बाय। मतलब सजेशंस आए थे हमें और उनमें से एक सजेशन था, एक सेकेंड मैं भूल ही गया था, दम आलू। दम आलू।